कुछ काम को जब हम वीकली ख़त्म कर लेते हैं तो हमें लगता है कि चलो अब हम इस वीक पूरा आराम करेंगे, लेकिन घर के कुछ ऐसे छोटे छोटे काम निकल के आते रहते हैं जो हमें डेली करने पड़ते हैं। अगर आप भी कुछ टिप्स और कुछ रूल फॉलो करें अपने घर को ऑर्गेनाइज करने में और क्लीन रखने में, तो लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है और आप एक अच्छे और स्मार्ट होम मेकर बन सकते हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही टिप्स बताऊंगी जिनको मैंने अपनी डेली रूटीन लाइफ में लाने के बाद बहुत सारे चेंजेस पाए हैं और मैं अपने घर को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज अपने लिए भी समय निकाल पाती हूँ और अपने बच्चे के लिए भी समय निकाल पाती हूँ। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। किचन में जितना समय हमें खाना बनाने में लगता है उतना ही समय हमें बर्तन को धोने में लगता है। मैं हमेशा, अगर मेरे घर में जैसे अभी मैंने कुछ फ्रूट्स कट किए थे या उनके एक दो बर्तन होते हैं जैसे कुछ स्नैक्स टाइम के बर्तन होते हैं, तो मैं उन्हें कभी भी सिंक में नहीं रख के जाती हूँ। इसके बाद अभी मैंने दो रखे हैं, थोड़ी देर बाद और दो रखेंगे और इस तरीके से करते करते हमारा सिंक फुल हो जाता है और जब हमें बर्तन धोने पड़ते हैं तो वो हमारे लिए एक बड़ा आलस का काम बन जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा बर्तनों को एक दो जब भी मेरे पास होते हैं मैं उनको सेम टाइम ही क्लीन करके रख देती हूँ। इसलिए अब ये काम जो है वो एक से दो मिनट में खत्म हो जाता है, सिंक खाली रहता है और जब अगर क्लैटर क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद हमें बहुत ज्यादा आलस आता है। इसलिए जब भी एक दो बर्तन होते हैं आप उन्हें सेम टाइम क्लीन करके रख दीजिए, इससे आपका सिंक भी खाली रहेगा और आपका जो बाद का काम है वो भी कम हो जाएगा। हमारे सिंक एरिया और वाश बेसिन वाले एरिया में हमेशा बहुत सारी चीज़ों को हमें रखना पड़ता है। हैंड वॉश हो जाता है, साबुन हो जाती है, ब्रश हो जाती है, कोलगेट हो जाती है, ऐसा ही कुछ हमारे किचन के सिंक एरिया के अंदर भी होता है। आप कोशिश कीजिए कि जहां भी पानी वाला एरिया है इन दोनों एरिया के आसपास आप कोई भी आयरन के ऑर्गेनाइजर मत यूज करिए, आप हमेशा प्लास्टिक के ऑर्गेनाइजर ही यूज करिए। इससे क्या होता है कि जब भी हमारा आयरन वाली चीजें क्या होती है बहुत जल्दी पानी के कॉन्टेक्ट में आने से बहुत जल्दी उनमें जंग लग जाता है और ये दोनों ही हमारे पानी वाले एरिया है जिनमें हमें बार बार बर्तन धोना है, कहीं हमें वाश बेसिन के अंदर अपने हैंड वॉश वगैरह बार बार करते हैं तो पानी अक्सर वहां पर गिरता ही रहता है। इसलिए बेस्ट है कि आप प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर यहाँ पे यूज करें। ऑर्गेनाइजर यूज करने से क्या होता है कि सारी चीजें आप एक ही ऑर्गेनाइजर के अंदर अच्छे से रख सकते हैं, वो बिखरी हुई नहीं लगती हैं और दिखने में ज्यादा अच्छी लगती हैं। ये जो टाइम होता है वो बच्चों के लिए बहुत वैल्यूएबल टाइम होता है, इनमें उनके जो पूरे साल उन्होंने पढ़ा है उसके एग्जाम रहते हैं। आप अपने बच्चों को किस तरीके से रिवाइज करा सकते हैं, मैं हमेशा जब भी घर के काम करती हूँ उसके बाद जैसे मैंने अभी सब्जी बनाने के लिए रखा है उसी के साथ साथ मैं इसकी कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट बना लेती हूँ। आप चाहें तो प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं बट आप चाहें तो अपने हाथों से भी उन्हें बना सकते हैं और इस तरीके से आप अपने बच्चे की एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन करा सकते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस वर्कशीट आ सकते हैं, इसे उनको भी ज्यादा अच्छा लगेगा और जब भी हम नए क्वेश्चंस लेके आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो अपनी पूरी फॉर्म में रहते हैं, काफी अच्छे फूले फूले से रहते हैं। इसके बाद एक टाइम आता है जिसके बाद वो डीफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। मैं इस तरीके की जो फाइबर है उनको एक बार लेके आती हूँ, मैंने कभी भी मार्केट से कुशन वगैरह नहीं खरीदे हैं, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ते हैं। इसके बाद जब भी वो डीफॉर्म हो गए थे मैंने उन्हें अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। इस फाइबर को आप अच्छे से वॉश कर सकते हैं और काफी जल्दी ड्राई हो जाती है और उसको इस तरीके से दोबारा से आप रिफिल करके भर सकते हैं तो वो काफी ज्यादा अच्छे फॉर्म में आ जाती है। देखिए इस तरीके से वो पहले की तरह काफी ज्यादा फोमी हो गई है और दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। इस तरीके से आप दोबारा से अपने कुशन्स को भर सकते हैं। मार्केट से जब भी मैं सब्जी वगैरह लेके आती हूँ इस तरीके से उस दिन एक बड़ा काम हो जाता है हमारे लिए बट फिर एक सुकून मिलता है कि चलो हफ्ते भर की छुट्टी मिल गई है हमें सब्जियों वगैरह से। जब भी मटर वगैरह लेके आती हूँ इस तरीके से उनको छील के एक डब्बे के अंदर भर के रख लेती हूँ और जो भी सब्जी वगैरह मैं लेके आती हूँ उनको इस तरीके से वॉश करके एक बास्केट में रख लेती हूँ और उन्हें कम्प्लीटली ड्राई कर लेती हूँ। इसके बाद जब भी वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाती है ना, इसके बाद मैं उन्हें एक अपने जो भी फ्रिज के अंदर जिप्स भी ऑर्गेनाइजर के अंदर मुझे उसे रखना होता है उसके अंदर मैं उन्हें रख देती हूँ। हरी सब्जियों को मैं तुरंत ही लाके साफ करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो भी हरी सब्जियां हैं उनको मैं पहले बना लूँ क्योंकि उनको लंबे टाइम तक स्टोर करना एक बड़ी बात हो जाती है। इस तरीके से मैं ये वाली बास्केट यूज करती हूँ फ्रूट्स के लिए जिसको मैं बाहर रखती हूँ
जो भी मुझे फ्रूट खाने हैं, जैसे कि मैं 2-4 घंटे पहले या फिर एक दिन पहले ही उनको फ्रूट वाली बास्केट के अंदर निकाल के रख देती हूँ, और बाकी के जो भी फ्रूट वगैरह होते हैं उनको मैं इस तरीके से फ्रिज में भर के रखती हूँ। इसके बाद जो अदरक वगैरह होती है उसको भी कुछ ये वैसे ही, मेरे पास एक डेट का एक डब्बा था, खजूर का एक डब्बा आया हुआ था, इसके अंदर रख देती हूँ और इसके अंदर काफ़ी अच्छे से स्टोर कर देती हूँ। इस तरीके से बास्केट में रख दिया है, कुछ नीचे रख दिया है, और इस तरीके से पूरे हफ्ते की मुझे छुट्टी मिल जाएगी मेरे सब्जियों को लेके। नेक्स्ट वीक में फिर से वही रिपीट होता है। इसके बाद जो भी सब्जियां वगैरह यहाँ पे साफ करी थी, क्योंकि हरी सब्जियां थी तो मेथी वगैरह से, पालक वगैरह से थोड़ी सी मिट्टी गिर गई है, इसके बाद झाड़ू लगा के अपने पूरे एरिया को हम इस तरीके से क्लीन करेंगे। बेडशीट को डाल डाल के हम बोर हो जाते हैं कि कितनी बार उनको रिपीट करेंगे वही लुक हमें मिलता है। इस तरीके से आप नवंबर से लेके मार्च तक इस तरीके के जो हल्के से जो वुलन के जो बेडशीट्स आती हैं, या ब्लैंकेट आप इन्हें कह सकते हो, एसी में आप इन्हें यूज कर सकते हो, इस तरीके से आप इन्हें बिछा सकते हैं, आप देखेंगे कि काफ़ी एक डिफरेंट लुक हमें मिल जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं और एक नया लुक भी क्रिएट हो जाता है। किचन की क्लीनिंग को मैं हर 10-15 दिन में करती रहती हूँ। जैसे कि कभी मैं सोचती हूँ चलो आज मैं ऊपर वाले पोर्शन को क्लीन कर देती हूँ, इसके अंदर कुछ बड़े डब्बे वगैरह रखे होते हैं, इनको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सामान इनमें ज़्यादा होता है, बहुत कम खाली होता है, इसलिए मैं इन्हें इस तरीके से ऊपर से क्लीन कर देती हूँ। इससे हमारा किचन हमेशा क्लीन रहता है। हम प्लांट्स तो लगा लेते हैं, बट प्लांट्स हमारे टाइम की और उनको एक बहुत अच्छी केयर की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं हमेशा उन पे भी वीकली ध्यान देती हूँ कि मुझे अपने प्लांट्स को क्या करना है, कैसा पानी देना है, उनमें क्या क्या चीज़ें और करनी है, कुछ लीव्स को कट करना है। आज के लिए बस इतना ही था। साथ ही में मेरा ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिले हो गया है, क्योंकि मेरे कुछ ऑर्डर थे जिनको मुझे कंप्लीट करना था, जैसे कि ये 2 नेम प्लेट बनाई है मैंने, कुछ किचन के जो DIY है वो बनाए हैं किसी के लिए, तो बस इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।